तो और भाइयों, क्या हाल आप सबके। आप सबका स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली जानवर पर है। वैसे तो यार जानवर बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो जानवर दिखाने वाला हूँ उनके कारनामे देखकर आप खूब हंसने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा फनी और मजेदार है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में केकड़ों का कबीर सिंह दिखाया था। अब केकड़ों के कबीर सिंह के बाद आपके सामने हाजिर है कबूतरों का कबीर सिंह। एकदम कड़क माल है। आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में कबूतर भी कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, ये तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और हाँ, सिर्फ कबूतर ही नहीं, कौवे भी किसी से कम नहीं है। आजकल के कौवे भी ब्रेकअप होने के बाद सिगरेट पीते हैं। और हाँ यार, मैं आपको भी एडवाइस दूंगा कि आप कौओं से बचकर रहें, क्योंकि आजकल के कौए ये सब भी कर देते हैं। बेचारे कुत्ते को 10 मिनट तक तो समझ ही नहीं आया होगा कि आखिर हुआ क्या। आज तक आपने इंसानों के साथ तो बहुत प्रैंक देखे होंगे, लेकिन अब आप देखने वाले हैं एक मेंढक के साथ हुआ प्रैंक। यहाँ पर ये आदमी इस फोन में एक गेम चला देता है, जिस गेम के अंदर कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं, और बेचारा मेंढक सोचता है कि ये असली के कीड़े मकोड़े हैं, और वो उन्हें खाने की कोशिश करता है। और बेचारा मेंढक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि वो खा तो रहा है इन कीड़े मकोड़ों को, लेकिन ये इसके पेट में क्यों नहीं जा रहे। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, और आखिरकार इस लड़के को इस मेंढक के साथ प्रैंक करना भारी पड़ गया। आप जरा खुद ही देखिए कैसे। ये लड़का वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर लेगा, लेकिन आज के बाद मेंढक के साथ प्रैंक नहीं करेगा। बेचारा मेंढक सारी जिंदगी यही सोचता रह जाएगा कि उसके खाए हुए कीड़े मकोड़े आखिर उसके पेट में गए क्यों नहीं। भाई, आप में से बहुत सारे लोग सांप को एक खतरनाक जीव मानते होंगे, लेकिन इस वीडियो ने सांप की प्रजाति का नाम डुबो दिया। अगर आपके घर में सांप आ जाए तो आप क्या करते हैं? आप या तो सांप को भगाते हैं या फिर उसे मार देते हैं, है ना, या फिर किसी सांप पकड़ने वाले को बुलाते हैं। लेकिन जब दादी जी के घर में सांप आया तो उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया, तो उन्होंने सांप की पूंछ पकड़ी और सांप को गली के बीच में घसीटते हुए बाहर ले गई, जिससे बेचारे सांप की इज्जत मिट्टी में मिल गई। आज के बाद ये सांप इस मोहल्ले में कभी भी नहीं घुसेगा। अब अगर शेर का राजा जंगल है, नहीं ऐसा नहीं था, हाँ अगर शेर जंगल का राजा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी जानवर से नहीं डरता, क्योंकि जंगल के राजा यानी शेर को भी किसी न किसी से डर लगता है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये शेर एक तालाब के किनारे पानी पी रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है तालाब के मवाली गुंडे की। तो कछुआ आते ही शेर को कहता है कि ये इलाका अपन का है, तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लेने का। और शेर भी इस गुंडे कछुए की धमकी से डर जाता है और पहली फुर्सत में वहाँ से निकल भी लेता है। अगर आप मूवी देखने के फैन हैं तो आपने आस्की वन मूवी देखी होगी। हाँ, आस्की वन देखी हो या ना देखी हो, लेकिन हाँ आस्की टू मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसका ये सीन बहुत ही ज्यादा फेमस है। आस्की वन और आस्की टू के बाद आस्की थ्री का ये सीन बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है। मुझे आशा है कि पूरी मूवी भी जल्दी रिलीज हो जाएगी। अब देखो यार, कुत्ते कितने ज्यादा वफादार होते हैं ये तो हम सबको अच्छे से पता है, और कई बार हमें कुत्तों के ऐसे ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अब वैसे तो हम सबको ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि कुत्ता बिल्ली को डरा सकता है, यानी कि बिल्ली कुत्ते से डरती है, लेकिन अब जरा ये वीडियो देखिए, यहाँ पर तो मामला ही अलग है। ये कुत्ता कुत्ता होते हुए भी ये कुत्ता बिल्ली से ऐसे डर गया मानो ये कुत्ता नहीं चूहा हो। एक इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई उसका करा कराया काम खराब कर दे। अब इस ताजी बनी हुई सड़क को इस कुत्ते ने खराब कर दिया, लेकिन बेचारा इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। अब ऐसे कुछ इन गायों ने भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी इंसान चुप रहा। लेकिन जब सेम ऐसा ही कुछ इस बेचारे मुर्गे ने किया, तो जरा आप खुद ही देखिए क्या हुआ। बेचारे मुर्गे की एक छोटी सी गलती ने उसे परलोक पहुंचा दिया। कभी भी उससे बिना पूछे उसकी फोटो या वीडियो नहीं लेनी चाहिए। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी चल रहा था। यहाँ पर ये शेर एक जू के अंदर है, लेकिन लोग इसकी फोटो उतार रहे थे और इसकी वीडियो बना रहे थे। शायद आज शेर नहाया हुआ नहीं था, इसलिए शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई उसकी वीडियो बनाए और फोटो उतारे। तो आप जरा खुद ही देखिए फिर शेर ने क्या किया।
आज के बाद ये सब लोग किसी भी जानवर के पास जाकर वीडियो नहीं बनाएंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ यार, शुक्र है ये शेर वाला टैलेंट इस दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के पास नहीं है, वरना अगर उनसे बिना पूछे उनकी कोई फोटो लेता ना तो वो भी शेर की तरह कांड कर देते। आज के समय में ना यार कुछ भी सेफ नहीं है। आज तक आपने गाय की तस्करी को लेकर बहुत केस सुने होंगे, लेकिन अब हम आपको जो चोरी दिखाने वाला हूँ, चोरी का ऐसा स्टाइल तो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर भी नहीं सोच सकते। यार ऐसी छोटी सी गाड़ी में गाय को कौन किडनैप करता है यार? गाय को कुछ खिलाने के बहाने ये लोग गाय को गाड़ी के अंदर लेकर जाते हैं और पीछे से गेट को बंद कर देते हैं। यार ये कोई मजाक की बात नहीं है, सरकार को गाय तस्करी को रोकने के लिए जरूर कोई उपाय निकालना चाहिए। अब जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक बिल्ली इस बॉक्स पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और दो बिल्लियां पहले से बॉक्स पर बैठी हुई है, लेकिन इस बॉक्स पर इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर तीन बिल्लियां एक साथ बैठ सकें। तो आप जरा खुद ही देखिए, ये बिल्ली जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है ना, वो क्या करती है। ये बिल्ली जिसने इन दोनों बिल्लियों को गिराया है, वो इनको गिराने के बाद ये बिल्ली ऐसे मासूम होकर बैठ गई मानो इसने कुछ किया ही ना हो। हाँ तो भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप फ्यूचर में कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।